हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका पास जेआईबी नवंबर 2019 एग्जाम प्रिपरेशन पर हम बात कर रहे हैं विद 100% श्योरिटी। 100% श्योरिटी खुद में बहुत बड़ा शब्द होता है कि भाई 100% हम कैसे पास करेंगे। देखिए, पढ़ाई करने का तरीका है, कैसे पढ़ाई करते हैं मैटर करता है, कहां से पढ़ते हैं ये भी मैटर करता है, किस तरह का क्वालिटी है वो मैटर करता है। यहां तीन चार चीज आपको समझना होगा, ठीक है। पहला चीज तो ये है कि कितने बच्चे जेआईबी देते हैं, ठीक है। अगर मैं मान ले तो 100 बच्चे देते होंगे जेआईबी, ठीक है। उसमें से मुश्किल से मुझे लगता है कि 7% ही बच्चे ऐसे होंगे, ओनली 7% होंगे जो कि पास करते होंगे तीनों के तीनों पेपर, पास और थ्री पेपर, ठीक है। तीनों पेपर पास करने वाले बहुत ही कम बच्चे होते हैं। नहीं तो होगा क्या, किसी का एक पेपर पास होगा, किसी का दूसरा पेपर रह जाता है, किसी का कोई एक पेपर हुआ, किसी का दो पेपर निकला, फिर ऐसा भी होता है कि चारों भी अटेम्प्ट खत्म हो गए, दोबारा आप आके एग्जाम दे रहे हैं, तो ये सब भी एक चक्कर रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको यहाँ पे थोड़ा समझना होगा बढ़िया से, ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए। क्लियर हो गया सब बातें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो क्या है कि 100 में से केवल 7% ही लड़के ऐसे निकलते हैं जो तीनों पेपर आपके यहाँ पे क्लियर कर पाते हैं। अब चलिए हम कैसे पास करेंगे। सबसे पहला चीज होता है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ स्टडी। कितना आप अच्छा पढ़ाई करते हैं, कितना बेहतरीन क्वालिटी आपकी है स्टडी की। फिर है उसके बाद क्या होता है, आप बोल सकते हैं टाइम डिवोशन। भाई ये भी सही है, टाइम जितना डिवोट करेंगे वो उतना आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तीसरा चीज क्या है, वो है एग्जीक्यूशन। आप कितना एग्जीक्यूट करते हैं, यानी अगर आपने सोचा है कि भाई मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, दुनिया जाए बाढ़ में पढ़ाई करूंगा, हर किसी के पास समय नहीं रहता यार, समय उसी में से निकालना पड़ता है, दुनिया में हर कोई ऐसा ही है, ठीक है। जब मैं स्टेट बैंक को ज्वाइन किया था एज ए पीओ तो वहां पे भी समय नहीं रहता, दिन भर काम ही काम कराते थे, तो पढ़ोगे नहीं तो निकलोगे कैसे, पढ़ोगे नहीं निकलोगे नहीं। मैं भी उसी में पढ़ा, उसी में क्वालिफाई किया, उसी में सीआईबी क्वालिफाई किया, और वो भी बहुत बढ़िया नंबर से क्वालिफाई किया, ठीक है। जीआईबी में 85% आ गए, सीआईबी में 88% आ गए, तो भाई बहुत बढ़िया नंबर है। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, नहीं है। अब मैं भी रात के 9 बजे आता था, ऐसा नहीं करे, ऐसा सोचिए नहीं कि नहीं होगा। अगर जो आदमी पहली हार जाएगा तो उससे हम बात करके क्या मिलेगा, ठीक है। आपको हारना नहीं है, हारना नहीं, कभी कभी भी गिव अप मत करिए, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, ठीक है। हारता कौन है, जो टाइम से पहले नहीं तैयारी करता, यानी वो स्टार्ट कब करेगा, एग्जाम आ जाएगा तब करेगा, तब तो यार बड़ा मुश्किल है उस केस में। पर अगर आप ये तीन चीज फॉलो करते हैं, यानी क्वालिटी ऑफ स्टडी, कितना अच्छा पढ़ाई करते हैं, कितना टाइम डिवोट करते हैं, और पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है वो भी मैटर करता है, इसलिए हम उसको एजुकेशन में डालते हैं, तो इतना चीज आप करेंगे तो आप पक्का पास कर जाएंगे, ठीक है। अब आइए और काम की बात में। ठीक है, अब आइए कि मैं 100% श्योरिटी के साथ कैसे पास होऊंगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, सबसे पहला काम क्या करना है भाई, वीडियो सुनना है, वीडियो लेक्चर कोर्स को बहुत अच्छे से सुनना है, ठीक है, लिसन करना है, ठीक है। दूसरा बड़ा काम क्या होगा आपके लिए, कि वीडियो कोर्स आप सुन रहे हैं टाइमली बेसिस, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तो बहुत जरूरी है, मतलब मेरे समझ से ये एक बेसिक चीज हो गया, अगर आप ये भी नहीं करिएगा तो क्या करिएगा फिर, ठीक है। दूसरा चीज क्या होगा आपका, वीडियो लेक्चर कोर्स के अलावा बताइए, उसके बाद क्या होगा, आपको नोट्स अपना बनाना चाहिए, ठीक है। जो बच्चे अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर करते हैं उसमें भी क्या होता है, अच्छे से प्रिपेयर करना। मैं जो भी बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं ना, जो भी बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, प्लीज कॉपी में एज इट इज कार्बन कॉपी उतार दीजिए, क्या करिए, कार्बन कॉपी उतार दीजिए आप, ठीक है। दो पेन यूज करिएगा, ब्लू और ब्लैक कलर, ब्लू से पूरा कंटेंट लिखने के लिए हो गया, ब्लैक से हाईलाइट करने के लिए हो गया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन ही है जो आपको की फॉर सक्सेस है। जो बच्चा रिवाइज कर रहा है भाई वो कोई फेल नहीं करता, मेरे जितने बच्चे पढ़े हैं जो रिवीजन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, एक बच्चा नहीं निकला जो फेल कर गया हो, मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब भाई आप आखिरी मोमेंट में ज्वाइन करिएगा तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ, पर जो आदमी 2 महीना 3 महीना पहले ज्वाइन कर रहा है वो कभी फेल नहीं करता, तो आपके पास एक प्रॉपर टाइमिंग भी होनी चाहिए कि आप कब ज्वाइन कर रहे हैं,
ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं एग्जाम के समय ज्वाइन कर लेंगे, दो दिन पढ़ के चले जाएंगे, नहीं होगा, कुछ नहीं होता। पहले से पढ़िए ना, पढ़ना पहले से पढ़िए, एक शेड्यूल बना लीजिए, एक घंटा डेढ़ घंटा देना है, फिर क्यों नहीं निकलेंगे आप, बिल्कुल निकलेंगे आप। तो ये सब चीजें मैं आपको, इसलिए आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो हमको यही तीन चीज पे फोकस करना है, ठीक है। अगर हम ये तीन चीज फोकस करते हैं तो आराम से आप क्लियर कर जाइएगा। अब आइए टाइप्स ऑफ कोर्सेज पे। हमारे यहाँ क्या है, दो तरह का कोर्सेज होता है। एक होता है पीपीटी कोर्स, जिसको हम बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दूसरा क्या होता है फेस टू फेस कोर्स। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है समझिए, दोनों ही के दोनों वीडियो कोर्स हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, वीडियो कोर्स है, ठीक है। एक तो क्लियर होगी बात, दोनों दोनों क्या है, वीडियो कोर्स है। पीपीटी का मतलब क्या हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोर्स, ठीक है। फेस टू फेस वीडियो कोर्स का क्या मतलब है, ये भी वीडियो ही होता है। दोनों में अंतर क्या है, पीपीटी का मतलब हो गया स्लाइड चलेंगी, पीछे से आवाज आएगा। फेस टू फेस कोर्स का मतलब क्या होगा, जैसे मैं सामने खड़ा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है सुनने में, दिमाग में ज्यादा जा रही होगी बातें। फेस टू फेस में यही सबसे बड़ा खासियत होता है, जो कि पीपीटी में नहीं होता है। पीपीटी में क्या होता है, लगेगा कोई रीडिंग मार के चला गया। फेस टू फेस में क्या होता है कि लगेगा कोई समझा रहा है, समझिएगा बात, लगेगा कोई समझा रहा है, तो आपको समझना है, रट्टा थोड़ी मारना है, समझोगे नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि सवाल कभी भी आपको ये मत सोच के जाइए कि सवाल वही सवाल पूछेगा जो मैं आपको क्वेश्चन बैंक में दे रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। सवाल तो भैया हर बार नया रहेगा उनका, हर बार नया रहेगा, तभी इतने बच्चे फेल कर जाते हैं, 94-93% फेल कर रहे हैं। किसी का भी सबका, तीनों को तीनों पेपर नहीं निकलता, किसी का एक निकलता है, किसी का दो निकलता है। मैंने इसलिए बोला तीन के तीनों पेपर निकालने वाले केवल मुश्किल से 7% के बच्चे हैं, वो भी नहीं होंगे। तो आपको यहां पे ये सारी बातें सुननी है और समझनी है, ठीक है। अब आइए इससे आगे के चलते हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बात। तो फेस टू फेस कोर्स में एक और चीज, खास बात क्या होता है कि मैं यहाँ पे सारा पॉइंट्स बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप आराम से पॉइंट कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। वो भी बहुत बढ़िया चीज है इसमें। कोर्स की डेप्थ ज्यादा है इसमें, सबसे बड़ा चीज क्या है, डेप्थ यानी गहराई ज्यादा है। पूरा आपको मतलब बहुत डेप्थ की कोर्स है, मतलब अगर ये पढ़ लिया तो कुछ नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है सर क्या मैकलन बुक भी खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदना भाई, मैकलन बुक की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको जो पढ़ा दिया इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं आपको, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ पूछेगा ही नहीं। मैकमिलन बुक, ये बुक, वो बुक खरीद के करेंगे क्या, अगर बुक भी खरीदिएगा तो वो भी 700 रुपए का है, 600 रुपए का, जो भी है वो भी एक्स्ट्रा पैसा लेके क्या करिएगा। क्या होता है, लोग का अक्सर क्या है, बुक खरीदते हैं, बुक जरूर खरीदते हैं 600-700-800 जो लगा लगा, उसके बाद आप 600 रुपए गुने 3 कर लो 1800 रुपए, या मान लो 500 रुपए के नीचे का बुक तो बिल्कुल नहीं है, 500 गुने 3 1500 रुपए आपने इन्वेस्ट किया। बाद में क्या होगा, 4-5 दिन पढ़ेंगे, फिर आपको बोर लगेगा, आप आ जाएंगे, ऑनलाइन जाएंगे, सर्च करेंगे और फिर कोर्स करेंगे। तो फायदा क्या हुआ, कोर्स ही किया भाई, शुरू में कर लो, बच गए पैसे, ओके, गॉट द पॉइंट। चलो ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया। और एक चीज और, जो लोग फेल हो गए, एग्जाम दिए हैं और जो फेल हो गए, जो फेल्ड स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगा, जो फेल्ड कैंडिडेट्स बोलिए, सही शब्द है, जो फेल्ड कैंडिडेट्स है उनके लिए तो भाई ये मैं बोलूंगा यही कोर्स करना, फेस टू फेस कोर्स करिए, आपके लिए मैंडेटरी है। क्योंकि अब आप दोबारा इस पोजीशन में नहीं है कि दोबारा एग्जाम देंगे और आप पास सॉरी डिस्क लेंगे आप, ठीक है। और जो लोग फ्रेशर है तो वो चाहे तो पीपीटी कोर्स भी कर सकते हैं और चाहे तो फेस टू फेस कोर्स सकते हैं, इनका अपना एक्सरसाइज है। सबसे बढ़िया कोर्स जो है वो है फेस टू फेस कोर्स, यही कोर्स ज्यादा सेल भी होता है, ये कोर्स ज्यादा बिकता भी है, ठीक है। चलिए अब आइए कोर्स कंटेंट में, मैं क्या क्या आपको प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहला चीज हो गया आपको, मैं क्या दूंगा भाई, यहां पे मिल जाएगा आपको फुल वीडियो लेक्चर कोर्स, ठीक है। आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं खरीदेंगे, फुल वीडियो लेक्चर कोर्स, इससे क्या ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। फिर दूसरा चीज क्या हो गया, न्यूमेरिकल
या फिर आप बोल सकते हैं न्यूमेरिकल हो गया, या आप इसको बोल सकते हैं केस स्टडी का भी वीडियो होता है। तीसरा चीज क्या हो गया आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है पीडीएफ में नोट्स लिख दीजिए। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, नोट्स तो मैं दूंगा आपको, ठीक है, पर आप अपना नोट्स खुद डेवलप करिए ना, आप अपना हैबिट बनाइए नोट्स का। मैंने आपको बताया लोग क्या करते हैं, हमेशा शॉर्टकट मारेंगे, पता नहीं क्यों शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट से रिजल्ट आता भी नहीं है। शॉर्टकट से किसी का रिजल्ट आया है क्या? नहीं आता है, नहीं आता ना आएगा, ठीक है, एक आध दो का निकल जाए तो अलग कहानी है। तो आपको नोट्स खुद बनाइए, सबसे बेहतर चीज है, ठीक है। हालांकि नोट्स दूंगा मैं आपको, बट नोट्स अपना खुद का बनाइए, मेहनत करिएगा ना तभी आपका फल मिलेगा। देखिए एक चीज हमेशा समझिए, जो जितना मेहनत करता है, जो जितना लगन के साथ पढ़ाई करता है, उसी का रिजल्ट आता है, ठीक है। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता, मैं दूंगा जो, बट मैं आपको मना करता हूँ नोट्स आप मेरा पढ़ें। ये तो उनके लिए ठीक है यार जो एग्जाम से दो दिन पहले ज्वाइन कर रहा है, अब उसके बाद क्या रहेगा, क्वेश्चन बैंक। तो पर पेपर जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, वो कितना है यहाँ पे 3500 सेट का पर पेपर है, ठीक है। पांचवा ये, फिर 10 मॉक टेस्ट रहेगा आपका, ठीक है, मॉक टेस्ट भी मिलेगा। छठा क्या रहेगा, क्वेरी आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई डाउट हुआ तो वो भी आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इतना चीज हो गया आपको, तो आपको क्या क्या आ गया, वीडियो लेक्चर कोर्स कंटेंट आ गया, वीडियो लेक्चर हो गया, न्यूमेरिकल केस स्टडी का वीडियो, नोट्स हो गए पीडीएफ में, क्वेश्चन बैंक हो गया 3500 सेट का पर पेपर, 10 मॉक टेस्ट हो गया, और क्वेरी भी आप पूछ सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अब आइए टाइप्स ऑफ कोर्सेज पे। क्या क्या कोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए आप पीपीटी कोर्स, और यहां पे लिख लीजिए एक हो गया फेस टू फेस को, फेस टू फेस वीडियो, ठीक है। अगर आप मान लीजिए JAIIB का सिर्फ प्रिंसिपल्स करना चाहें, या फिर मान लेते हैं आप लीगल करना चाहते हैं, इसका दाम है यहाँ पे 600 रुपए, ठीक है, और इसका दाम है यहाँ पे 1200 रुपए। JAIIB का अगर आप अकाउंटिंग का पेपर करते हैं तो यहाँ पे दाम है इसका 800 रुपए, और यहाँ पे दाम है इसका 1500। अगर आप JAIIB कॉम्बो पैक लेते हैं, कॉम्बो पैक का मतलब है ऑल थ्री पेपर्स, तो इसका कितना रेट है, इसका रेट हो गया यहां पे आपको 1500, और इसका रेट है यहां पे 3000, ठीक है। तो ये चीज है, आप हमेशा याद रखिए ज्यादा लोग यही कोर्स ऑप्ट करते हैं। फिर भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं आप मेरे को, तो फोन कर लीजिए, कॉल अस, नंबर है 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में भी जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट क्या है हमारा, www.JAIIBCAIIBstudymaterial.com, ठीक है। ईमेल आईडी क्या हो गया, SIDDSINHA123@gmail.com, ठीक है, थैंक यू।